महिला जदि मुख्यमंत्री हो बढ़िया हम ओडिशा सरपंच कहानी एवं बॉलीवुड रे गंजाम जिला धुंकापड़ा ग्रामर पूर्वतन सरपंच आरत देवी कहानी को नहीं करा फिल्म सार मैडम सरपंच आरत देवी आम सहित अच्छा सीधा सड़क आलोचना करवा मैडम जितेबाला आपन को लेकिन गोटे फिल्म करते खुशी अच्छा कहीं पूर्व आम देखीचु सर्वकनिष्ठ सरपंच भाव में आज सुपरिचित चर्चार रही है एवं फिल्म हो कौन कह मुझे जाणी से मैंने मोर काम को इंस्पायर एवं फिल्म बाहर कर निश्चित रूप से धन्यवाद देवी प्रोड्यूसर प्रवीण मोचले जे कि बहुत बार जातीय चलचित्र अवार्ड पाई एवं सीमा विश्वास भरी जड़े बहुत प्रतिष्ठित महिला कलाकार अच्छा प्रवीण मोचले जड़े राइटर भी आ जड़े प्रोड्यूसर भी से निजे आर्याना सजनानी जे कि हीरोइन नहीं मोते इंस्पायर से जड़े भी उच्च शिक्षिता झील जे कि यूएस रे हॉलीवुड फिल्म बाहर कर बॉलीवुड फिल्म एवं बाहर कर फिल्म मत शुणी बहुत खुशी लगला जे इंस्पायर होता फिल्म टी वर्तमान आंतर्जातिक फिल्म फेस्टिवल रे अवार्ड मिल सारे एवं पूरा ओडिशा रे तो मैंने स्टार्ट करा जाएनी चारिटी भाषा रे सारा भारत 180 फिल्म रे चलने लोक मान टिकट भी मिलूनी मुझे शुणी बहुत खुशी लगुचे मो काम जो मुझे से मैंने इंस्पायर करेतु यहाँ बेसिकली नारी शिक्षा एवं वुमेन एम्पावरमेंट उपर है तेणु बहुत खुशी लगुच समय 2008 और 12 भितर बैंकर चाकर करते चाकर छाड़िले राजनीति को प्रवेश कले राजनीति को प्रवेश कला ग्राम सभा भाई सभा कले जितेबाद केमती थी से समय सिचुएशन केमती थी एवं जो नहीं कि फिल्म करागला आज्ञा आपत मत जिते क्वेश्चन करूँ मुझे 10 वर्ष पछकू जा मोर मो गाँ मत देखा जाते बड़े सरपंच छोट सरपंच पंचायत बस थी महिला मैंने आसुन राज्य सरकार 50% व्यवस्था करते तो महिला ग्राम सभा करी एवं मिशन शक्ति को त्वरांतरित करने शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार व्यवस्था मो पंचायत बारंबार महिला मान ट्रेनिंग देती आई स्टार्टेड द फास्ट वुमेन ग्राम सभा इन ओडिशा इन माई पंचायत एंड नारी शिक्षा को जिते बड़े मुझे प्राधान्य देती कि महिला को 750 महिला को पाठ पढ़ा जाइला कि ना भी से तो लोकल लैंग्वेज रे पढ़ी पारे लिखिपर टीप नुहे दस्तखत नो थम इंप्रेशन ओनली सिग्नेचर किसी न कले तो टीपटा को छाड़ी दस्तखत भी दे पारे एवं यहीटा जिते बड़े भारत आदर्श सरपंच मत दिगला MIT पुणे स्टूडेंट पार्लियामेंट रे सेतेबेले 35,000 स्टूडेंट लीडर थिले एवं 150 एवं MLA MP थिले भारतर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंस रे भी मध्य थिले सेथिरे मते 2 मिनट टाइम देइथिले वार्ता कहिबा पई मु कहिथिलि नारी शिक्षा बेटी पढ़ाओ कथा कहिथिलि मो साइड रे बीबीपुर हरियाणार सरपंच तांकू मध्य आदर्श सरपंच अवार्ड दिया जाइथिला जणे पुरुष को से बेटी बचाओ कथा कही आज बहुत खुशी लगुच बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यहीटा तो मत इंस्पायर हो फिल्मटा हो ट्रेलर देखी आज जहाँ प्रड्यूसर डायरेक्टर कहते जे यहीटा आम आपण को नारी शिक्षा जो वुमेन एम्पावरमेंट आपण को आम इंस्पायर हो जड़े शिक्षित झील केमी गाँव को आस स्ट्रगल करमेडी भी रखिंट जेहेतु लोक मैंने टोटाली बायोपिक क्रीड़ा नुह बायोपिक करना इंस्पायर्ड फिल्म कर चेंज मेकर अवार्ड मिलता आमेरिकार राष्ट्रपति सहित भेट होते से समय परेश रही ए हाँ बहुत खुशी लगुला मुझ मो काम कर चली से मैंने डाकिक आवार्ड दौंती खुशी लगुच ओम बिर्ला सार भी डाकि भारत को रिप्रेजेंट करूली महिला मान को विशेषकर महिला कथा जिते बड़े आसला मुशा कथा कहे जेहेतु ओडिशार महिला बर्तमान एवं राज्य राजनीति ठू आरंभ कर आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तन शीर्षर अच्छा मिशन शक्ति गोटे एमती गोटे प्रोजेक्ट होम भारत जोटा कि 70 लक्ष महिला सामिल अच्छा
ଏମାନେ କେବଳ ଛୋଟ କାଟିଆ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ସିଏ ହେଲେଣି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କଲେଣି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ କାମ କଲେଣି। ଏଇଟା ଶୁଣିକି ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେହି ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ଏସବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସମାଜକୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ PDS ସିଷ୍ଟମକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିକିରି ଲେଖିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗୁସମର ଲୋକ ବି ମୋ ଉପରେ ହାମଲା କରିଥିଲେ, ମୋ ନାଁରେ SC ST କେସ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ମୋତେ ପୋଲିସ ଆସିକିରି ଥାନାରେ ନେଇକି ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଥାନାରୁ ଯାଇକିରି ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେକାର ରାଜନୀତି ଆଉ 2012ର ରାଜନୀତି ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି ରାଜନୀତି, ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତି ହେଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ମହିଳା ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆହୁରି ମହିଳା ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆରତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପାୟାର୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଛି ଫିଲ୍ମ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସରପଞ୍ଚ, ଯାହାକି 180 ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।